वैज्ञानिक उसका ये है कि जब आप संकीर्तन करते हैं तो वो नॉट्स वो खुलती हैं, और जब जब आपके जितने साइकिक इम्प्रेशंस रिलीज होंगे आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होगी, रबड़ की तरह हो जाएगी। और जितना आप मन में इकट्ठा करके रखोगे उतना आपका शरीर स्टिफ होता जाएगा। स्पॉन्डिलाइटिस इज ए इंडिकेशन दैट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनीवन एल्स। जब एक्सेप्टेबिलिटी इज मिसिंग तो आपकी गर्दन अकड़ जाती है। आई एम द राइट पर्सन एंड एवरीवन इज नॉट राइट, स्पॉन्डिलाइटिस होगा। साइकोलॉजी पूछ लेना, जिसको ये है उसको इसलिए नहीं है कि उसको कुछ गर्दन की बीमारी है। और उसको अगर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दो, एडॉप्टेबिलिटी बढ़ा दो, तो यहाँ से वो साइकिक इम्प्रेशंस रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। घुटनों में टांगों में दर्द है इसलिए है कि तुम्हारे को भय है, यू हैव फियर, फियर ऑफ एवरीवन। कोई मुझे नुकसान तो नहीं कर देगा, कोई मुझे डरा तो नहीं देगा, कोई कुछ कर तो नहीं देगा। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर मेरी सहायता खत्म हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए हमारे जो सोशल एनवायरनमेंट है जिसमें स्त्री को ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इसलिए घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द पुरुष से ज़्यादा स्त्री को होगा। आप देख लेना, एवरेज स्टैटिस्टिकल डाटा ले लेना, क्योंकि उसको अधिकार नहीं इस अपने आप को इंडिपेंडेंट होने का। इट्स ए फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी एंड द कॉन्टिन्यूस फीलिंग ऑफ फियर कि अगर तुम गलत गए तो तुम्हारे साथ हम विड्रॉ कर सकते हैं और तुम हेल्पलेस हो जाओगे। टांगों में दर्द होना, वो जो भी आप सोचते हैं आपका माइंड वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है सेलुलर माइंड में, and it is transferred into your intracellular memory. मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जीवन तुमने सुखी जीना है साधना तो करो ही, क्योंकि जो संचित कर लिया है उसको भी तो हटाना होगा ना, जो संचित किया है, और वो शिव योग की साधना के द्वारा होगा। और आगे तुम पैदा ना करो तो ओनली क्रिएट अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फेथ इन हिम। याद रखो, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सभी कुछ ब्रह्मांड में है। तुम क्रिएट करना सीख जाओ तुम्हारे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से छीनने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट क्रिएट।